नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बनाएंगे कलकत्ता का फेमस आइटम खजूर गुड़ का राउंड चमचम, वो भी ललन गुड़ से। तो इस रेसिपी को आप लोग देखते रहिए। और इस रेसिपी में मैंने काव मिल्क का यूज़ किया है, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें और काव मिल्क का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1 लीटर काव मिल्क, 1 बल शुगर, थोड़ा सा मैदा करीबन आधा कप और 3-4 इलायची का पिसा हुआ पाउडर और 1 कप ललन गुड़। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में चीनी डाल दिया और इसके बाद हमने यहाँ पे गुड़ डाल दिया। गुड़ डालने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा पानी, करीबन 1 गिलास तक। तो ये पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे चलाते रहूँगा जब तक कि ये चीनी ना घुल जाए। चीनी घुल के गुड़ के साथ एकदम मिक्स हो जाना चाहिए दोस्तों। तब तक हमें ऐसे इसको मिलाते रहना है, हिलाते रहना है और गैस को मीडियम फ्लेम पर रख देना है। तो थोड़ा सा हीट होने के बाद हम लोग फ्लेम हाई करके इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये चीनी पूरा घुल ना जाए। करीबन 2 मिनट हो चुका है, मेरा जो चीनी है वो घुल चुका है। देखिए, एक भी चीनी का दाना नहीं दिख रहा है। अब गैस का फ्लेम लो में कर देंगे और उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। करीबन 2 मिनट हो चुका है। अब इसका साइड में जो लाइनिंग है सफ़ेद सफ़ेद, इसे निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें ताकि इसका झाग बनना बंद हो जाए। और एक खुरपी से ये सफ़ेद सफ़ेद जो झाग बना है साइड में, इसको निकाल लेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो सिरप बना है इसका सिरप फिल्टर हो जाएगा। सो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। आप इसमें छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिरप हमने फिल्टर कर लिया, देखिए कितना थिकनेस है इसका। सो ज़्यादा थिक नहीं बनाना दोस्तों, कोई भी तार नहीं है इसमें। देखिए इसमें तार बनेगा ही नहीं क्योंकि उतना थिक नहीं है ये। सो इस बात को आप भी नोट कर लीजिएगा। और एक कढ़ाई में मैंने दूध ले लिया, दूध को हम लोग बॉयल कर लेंगे। ऐसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर सकते हैं या फिर आपको कंट्रोल करना आता है तो आप हाई फ्लेम पर भी बॉयल कर सकते हैं, दूध को उबाल सकते हैं दूध को हाई फ्लेम पर। लेकिन इसमें कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। दूध गर्म करने का समय दूध में मलाई नहीं आना चाहिए, खुरपी को आपको हिलाते रहना है। अगर दूध में मलाई आ जाता है तो इसमें जो छेना बनेगा उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो हमारा चमचम है वो ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा। सो इस बात का ध्यान रखें दूध में मलाई ना आ जाए। तो यहाँ पर हमारा दूध बॉयल हो चुका है और अब हम गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद खुरपी से थोड़ा हिला लेंगे और इसके बाद दूध में थोड़ा बहुत जो मलाई गिरा है इसको हम छन्नी से फिल्टर करके निकाल लेंगे। आपको ये बात एक बात का ध्यान रखना है, तुरंत इसमें जो खट्टा पानी है मत ऐड कीजिएगा। इसमें क्या होगा, जो आपको छेना का जो क्वालिटी होगा वो बहुत हार्ड हो जाएगा। सो थोड़ा देर ऐसे ठंडा कर लेना है, लेकिन इसका जो भाप है, भाप ऐसे निकालते हुए ही खट्टा पानी डालना है। मैंने पहले से ही एक बॉल में 4 नींबू को निचोड़ के रखा था और इसमें 2 गिलास करीबन पानी डाल के रखा था। सो 2 गिलास पानी में 4 नींबू निचोड़ लीजिएगा। और उसे इस समय हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे दूध में, हम लोग गर्म गर्म दूध में ही इसमें डाल देंगे नींबू का जो पानी है। वैसे थोड़ा थोड़ा हिलाता रहना है, डालता रहना है। मैंने अपने हिसाब से डाल दिया तो मुझे और खट्टा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, अगर दूध सही से फट जाएगा तो ऐसे ग्रीन कलर हो जाएगा। अब देखिए छेना अलग और पानी अलग। अब इस कढ़ाई में मैं 1 जग भर के पानी डाल दूंगा। ये पानी नॉर्मल है, कोई कूलिंग वाटर नहीं है। ये नॉर्मल पानी डालने का कारण ये है, ये जो छेना है ये ज़्यादा रफ़ ना बने और ज़्यादा दाना ना हो जाए इसमें। छेना हमें एकदम सॉफ्ट रखना है। हीट जो है ये आपको देखना है कि कितना हीट है। अब ये आप कैसे देखेंगे, इसका जो पानी इसमें हाथ लगाना है और हाथ इसका अंदर रहेगा, लेकिन गर्म भी लगेगा और हाथ आप रख सकते हैं, इतना गर्म रखना। ठीक है, ऐसे गर्म रख के आप जो है इसको छान लेंगे। देख लीजिए छेने का जो क्वालिटी है, देखिए ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि दबाने से इसका पानी निकल जाए। अगर आपको लगता है कि छेना में छेना एकदम घोल जैसा हो चुका है तो उसको गर्म कीजिए दोबारा, गर्म करके और थोड़ा खट्टा पानी उसमें मिलाइए, तब आपको अच्छा क्वालिटी का छेना मिलेगा। देखिए छेना ऐसा होना चाहिए, देखिए पानी अलग से अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। इस क्वालिटी का छेना होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम होना चाहिए छेना।
अब एक मलमल का कपड़ा ले लेंगे, उसमें छेना और छिले का पानी दोनों को एक साथ में ध्यान से इसमें पलट देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, छेने का जो क्वालिटी है, दाना भी बड़ा बड़ा है और मुलायम भी है। सो आपको दाना ऐसा बड़ा बड़ा रखना है, छोटा छोटा दाना नहीं होना। इसके लिए आपको खट्टा पानी बराबर डालना है। मैं इसको एक जगह में टांग के छोड़ दूंगा जब तक कि पूरा सूख न जाए, जब तक कि इसका पानी निकल ना जाए। तो देखिए मेरा छेना रेडी है बिल्कुल। मैंने इसको टांग के रखा था, लास्ट में थोड़ा सा दबा लिया था तो छेना बिल्कुल ड्राई हो चुका है मेरा। अब छेना को बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, थोड़ा इसमें पानी रहना है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पानी निकल चुका है तो ये जो कपड़ा है इसको आप निचोड़ के पानी निकाल लें और इसमें ऐड कर दें। इसमें नॉर्मल पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। सो जो छेने का पानी वही आप ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा आपको ड्राई लग रहा है छेना तो। और मेरा जो छाना है बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसमें पानी वानी कुछ ऐड नहीं करूँगा। अब देखिए मैं कैसे मालिश कर रहा हूँ छेना को, आप भी ऐसे मालिश कीजिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सो अगर आप ज़्यादा इसमें मालिश कर देंगे तो छेने से घी निकल जाएगा और उसमें फिर जो चमचम बनेगा वो भी उसका क्वालिटी अच्छा नहीं बनेगा। सो आप भी देख लीजिए ऐसे आपको मालिश करना, ज़्यादा मालिश नहीं करना है। देखिए मेरा छेना मालिश करके रेडी हो चुका है। अब मैं इसका गोल गोल पीसेस कर लूँगा, इसको अब मालिश कर लूँगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब छेना का जो है हम लोग साइज कर लेंगे, यानी इसका पेड़ी तोड़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, छेने को ऐसा लंबा करना है। आपको अगर हाथ में लंबा करना नहीं आता तो आप ऐसे ट्रे में या फिर किसी बर्तन में ऐसे लंबा कर लीजिएगा। लंबा करने के बाद ऐसे एक एक राउंड शेप में काट लीजिएगा और ये ध्यान रखें कि एक ही साइज में सारे के सारे राउंड हो। सो आप भी ऐसे ध्यान रख के ऐसे काटने का कोशिश कीजिए कि एक ही साइज हो बराबर। इसके बाद चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लो फ्लेम में बॉईल करते रहना है और जो हमने छेने का जो हमने पीसेस कर लिया था छोटा छोटा, उसे दोनों हाथ की मदद से राउंड शेप करके इसमें डाल देना है। दोस्तों सारे के सारे छेना मैंने राउंड शेप करके सिरप में डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ मैदे का घोल। अब आपको मैदे का घोल कैसे बनाना है मैं बता दे रहा हूँ। जो मैदा हमने लिया था आधा कप, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एकदम मोटा मोटा सा घोल बना लेना है और थोड़ा सा घोल शुगर सिरप में डाल देना है ताकि झाग अच्छा बने। अभी फ्लेम को हाई कर देना है। अब जो हमारा चमचम पकेगा एकदम हाई फ्लेम में पकेगा। और यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो चमचम है ये शुगर जो सिरप है इसका झाग का अंदर ये होना चाहिए और ये झाग का अंदर ही पके तो ही अच्छा है। इसमें डायरेक्ट हवा नहीं लगना चाहिए। अगर आपका सिरप में झाग अच्छा नहीं बन रहा है तो और थोड़ा मैदे का जो घोल है वो ऐड कर दीजिए, उसमें झाग और भी अच्छा आएगा। सो ऐसे झाग आने के बाद ये जो छेने का बेस है चमचम का बेस, इसको ऐसे दो से तीन बार ऐसे हिला लेना है, ज़्यादा नहीं हिलाना है नहीं तो ये जो छेने का जो बेस है ये टूट जाएगा। सो ऐसे दो से तीन बार ऐसे हिला लेना है और ऐसे पकते देना है इसको। और दोस्तों साइड में एक ओवन में एक बर्तन में गर्म पानी बना के रखे हैं, एकदम ये एकदम लो फ्लेम में जलता रहेगा, पानी गर्म होना चाहिए। और ये हम लोग क्या करेंगे, जो शुगर सिरप है, शुगर सिरप अगर मोटा हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। दोस्तों डेढ़ से दो मिनट हो चुका है, अब मैं इसको एक बार हिला लूँगा ऐसे ऊपर से। आप भी ऐसे ही ऊपर से हिलाना और ये जो चम्मच है इसका उल्टा साइड से ऐसे आपको हिलाना है। बहुत ही ध्यान से स्टेप में पकाना है। अगर आपने थोड़ा उल्टा चला लिया अपना जो चम्मच उल्टा अगर चला लिया तो ये टूटने का डर रहता है। ये उतना स्ट्रांग नहीं है, अभी बहुत ही नाजुक सा बॉडी है इसका। सो अभी भी इसका फूलना बाकी है, ये पूरा गोल होकर फूल जाएगा देखिए। अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डालूंगा। अब भी ऐसे थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि ये जो सिरप है मोटा है या फिर गाढ़ा हो चुका है सो थोड़ा इसमें पानी डाल दीजिएगा, अंडल कैसे हिला लीजिएगा। सो फ्रेंड्स करीबन चार मिनट हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जो शुगर सिरप है थोड़ा मोटा हो चुका है, तो मैंने गर्म पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगा करीबन दो चम्मच तक। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा हिला लूँगा। देखिए मेरा साइज कितना बड़ा हो चुका है, और भी बढ़ने वाला है ये और आगे जाके और भी बड़ा हो गया।
देखिए अभी मैं इसको हिला लिया, अब जितना ये बड़ा हो रहा है इसको झाग भी उतना चाहिए, इसके लिए मैंने और थोड़ा मैदा ऐड किया ताकि और भी ज़्यादा झाग आए और चमचम जो है वो झाग का अंदर ही पके। दोस्तों मैं अभी इसमें ढक्कन लगा दूंगा ताकि इसका झाग बहुत अच्छा बने, क्योंकि इसका साइज बहुत ही बड़ा हो रहा है। अब झाग लगा ढक्कन लगाने से इसका जो झाग है ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको कवर कर लेगा। दोस्तों ढके हुए करीबन 4 मिनट हो चुका है, अब मैं इसका थिकनेस चेक कर लूँगा और इसमें पानी डालूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 बार ऐसे चला दिया है, आप भी ऐसे चला लीजिएगा ताकि ऊपर नीचे हो जाए, पलट जाए। ये देखिए थिकनेस का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसमें मैं करीबन 3 चम्मच तक पानी डाल दूँगा, वही गर्म पानी जो मैंने साइड में बना के रखा है। तो 3 चम्मच तक इसमें पानी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा मैदा का घोल डाल दूँगा, क्योंकि झाग भी थोड़ा कम हो रहा है। और इसमें डालने के बाद अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगा ताकि झाग का अंदर बहुत अच्छी तरह से पक जाए। दोस्तों करीबन 10 मिनट हो चुका है, मैं एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लूँगा चमचम कैसा है। देखिए कितना बड़ा साइज का बना है चमचम और कितना स्पॉन्जी है, जितना बड़ा है उतना स्पॉन्जी है, और देखिए कितना अच्छा बना है चमचम। सो इसको अब ऐसे हिलाते रहना है। जब चमचम आपका पक जाए तो ऐसे आपको चम्मच का उल्टा साइड से ऐसे हिलाते जाना है जब तक के चमचम शुगर सिरप का नीचे तक ना आ जाए। ये कम से कम 80-85% तक शुगर सिरप में डूब जाना चाहिए। सो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ऐसे ही इस तरीके से आप हिलाते रहना, और बीचों बीच भी आप हिला सकते हैं, उसके थोड़ा देर बीचों बीच हिला के ऐसे बीचों बीच हिलाते रहना, और जब तक ये 85% तक ना डूब जाए तब तक आपको हिलाते ही जाना है। दोस्तों चमचम हमारा बन के रेडी है, देखिए कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है, कितना अच्छा स्पॉन्ज है, और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया क्योंकि ये लरिन गुड़ से बना है। सो दोस्तों ऐसे ही नया नया रेसिपी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।